हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपने अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम से आप लोग सोच रहे होंगे, काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया मुझे कि कहाँ है भाई, क्योंकि आज 11th ऑफ जून है एंड मैंने लास्ट व्लॉग 11th ऑफ मे को अपलोड किया था। सो करेंगे उन सब चीज़ों पर बात कि कहाँ था, क्या हुआ था। फिलहाल चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट क्या मतलब, थोड़ा अलग सा ही खाएंगे एंड क्योंकि लंच का टाइम भी हो ही रहा है, क्योंकि आज बहुत सारे काम करने थे, थोड़ा लेट उठे दिन, थोड़ा काम करके दिन टाइम अपने आप हो गया था। सो चलते हैं नीचे एंड थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने तो सोचा कि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा ही करेंगे, मम्मी को बोला भी कि थोड़ा सा ही ब्रेकफास्ट देना, बट मम्मी ने इतनी सारी चीज़ें दे दी। देखो देखते हैं, यहाँ पर बॉम्बिनो है, मतलब नमकीन से भाई, देन दलिया है एंड मैंगो शेक है। अब फटाफट इसको खाते हैं, दिन बात करता हूँ, अच्छा लग रहा है खाने में। सो अभी मैं दूसरे कमरे में आ गया हूँ बिकॉज भाई की कंटिन्यूसली मीटिंग चलती रहती है। सो आई थॉट कि यार उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं एंड मैं दूसरे कमरे में आ गया। सो बात कर लेते हैं कि क्या हुआ ऐसा कि मैंने एक महीने से कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। एक्चुअली मैं मेरे डैड को कोविड हो गया था। पहले तो समझ में नहीं आया क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी दो तीन पहले से ही ख़राब थी, तो हमने कंसल्ट किया था। देन डॉक्टर्स ने कहा कि वायरल भी चल ही रहा है तो हो सकता है। देन 11th ऑफ मे की नाइट में उनकी थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, सो हमने हॉस्पिटलाइज करवाया। देन उसके बाद जब रिपोर्ट्स आए देन तब पता लगा कि वो कोविड पॉजिटिव है। देन उसके बाद पता लगा कि जो इन्फेक्शन होता है लंग इन्फेक्शन वो काफ़ी था। देन उसके बाद अराउंड सारे मेडिकेशंस वगैरह चले, प्लाज्मा वगैरह चढ़ा। देन उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हुई तबीयत। देन आफ्टर 25 डेज वो घर आए हैं अभी। सो काफ़ी थोड़ी वीकनेस तो हो ही गई है, बाकी ही इज़ रिकवरिंग वेल। जल्दी ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। जैसे पहले थे, मतलब जैसे पहले बॉडी रहती है, इफ़ आपको कोविड होता है कोविड से पहले जैसे आपकी बॉडी रहती है अच्छी खासी, इफ़ आपको ज़्यादा मेडिकेशंस लगते हैं देन उसके बाद थोड़ी बॉडी वीक हो जाती है, देन उसके बाद वापस से बॉडी वैसी होने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। एंड डॉक्टर्स ने भी कहा कि अराउंड 1 से 2 महीना तो लगेगा वापस से पूरा सही होने में, एकदम जैसे पहले थे हट्टे कट्टे अच्छे खासे, वैसा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो घर आ गए, फिलहाल आराम कर रहे हैं, मेडिकेशंस वगैरह चल रहे हैं। सो उसी वजह से माइंड कहीं भी लग नहीं रहा था कुछ भी, एक महीने से कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया है। बाकी यार कोविड का तो सीरियसली कुछ भी पता नहीं लगता है कि कैसे आया। पापा तो हमारे अराउंड April 5 को लास्ट बार बाहर गए थे जब आशुदा का बर्थडे था, उस दिन April 5 को बाहर गए थे। देन उसके बाद से बाहर ही नहीं घर घर के, पता नहीं कहाँ से आया, अब कैसे आया किसी को नहीं पता यार। कोविड का करियर कौन है किसी को पता ही नहीं। अभी डैड की फिजियोथेरेपी वगैरह भी चल रही हैं, सो उनसे उससे काफ़ी ज़्यादा उनको रिलैक्स मिला है। बाकी मेडिकेशन वगैरह भी हैं एंड डाइट तो एकदम प्रॉपर चल रही है उनकी अच्छी खासी। डैड आराम कर रहे हैं नीचे, देन शाम के टाइम पे बाहर आएंगे वॉक करने, तब मैं दिखाऊंगा एंड थोड़ी सी बात करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज क्योंकि ज़्यादा बात करने से थोड़ी लंग में इन्फेक्शन था उसकी वजह से थोड़ी खांसी आ जाती है, तो वो भी ज़्यादा बात करना भी सही नहीं है। फ़िलहाल तो चल रही है बाकी एक्सरसाइजेस वगैरह, सब चल रहा है उनका अच्छे तरीके से। फ़िलहाल तो यहाँ पर भी कर्फ्यू है, सो कहीं भी बाहर आना जाना हो नहीं सकता है। एंड मेरे घर में तो सब ने फर्स्ट डोज वैक्सीन का लगा ही लिया है, बट मैंने वैक्सीन फ़िलहाल नहीं लगाई है। हम ट्राई कर रहा हूँ कि मिल जाए, बट स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है, क्या कर सकते। जब अवेलेबल होगी तब लगवा लेंगे। एंड मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था, मेरा लास्ट व्लॉग था कि स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी, क्योंकि उस टाइम कोविड बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था एंड हमें तो ऐसा कोई आइडिया ही नहीं था कि हमारे ही घर में ऐसा हो जाएगा। मतलब घर बैठे बैठे यार ऐसा हो गया। सो इफ़ किसी के भी घर में ऐसा हो रहा है देन पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की, एक तो घर वाले जो हैं वो भी पॉजिटिव रहे, प्लस जिसको हुआ है वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो हर बार मानसून अराउंड 20 जून के बाद ही आते थे, बट इस बार तो ऐसा बोला गया है कि पहले ही आ रहे हैं, तो बारिश होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कल हुई थी, थोड़ी सी हुई थी, लेकिन कल से धूप बिल्कुल भी नहीं आई है।
एंड सूरज भैया बिल्कुल गायब हो चुके हैं। सुबह आई थी थोड़ी देर के लिए, अराउंड एक घंटे के लिए धूप आई थी, उसके बाद गायब, उसके बाद फुल बादल ही बादल, एंड आगे साइड तो पूरे बादल छाए हुए हैं। और पापा आ गए हैं फिजियोथेरेपी की तरह से, आज लास्ट सेशन का। आशुदा नीचे, आशुदा आशुदा हेलो, आज डैड का लास्ट सेशन का फिजियोथेरेपी है। डैड गए थे, ये है आशुदा फेवरेट डॉग, आशुदा इसको हमेशा कुछ ना कुछ खिलाया करते रहते हैं, हमेशा ही पापा पापा। कल परसों तक इतनी महागर्मी थी यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब थोड़ा सा भी काम करने में अगर फ़ैन ऑन नहीं है तो इतना पसीना आ रहा था, एंड आज खिड़कियों से ऐसी हवा आ रही है इतनी ठंडी, मतलब धूप तो है नहीं लेकिन इतनी ज़ोर की हवा आ रही है कि मज़ा आ रहा है, एकदम अच्छा चिल वेदर हो गया। एक महीने से कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं किया, देन एडिटिंग वगैरह कुछ प्रोडक्टिव काम किया ही नहीं था क्योंकि माइंड सारा एकदम डाउन हो रखा था। सो अभी वापस से सब स्टार्ट किया है, देख रहा हूँ क्या क्या है बाकी, और जो चीज़ें मैं सीख रहा था वो वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मज़ा आ रहा है काफ़ी दिन बाद, लेकिन काफ़ी दिन बाद जब हम ऐसे कोई काम करते हैं जो छोड़ चुके हैं तो थोड़ा ऐसे लगता है कि यार छोड़, लेकिन ऐसा नहीं है, हम ज़रूर सीखेंगे। टाइम हो गया लंच का, चलते हैं अब लंच करते हैं, देखते हैं आज क्या बना है। आज कुछ नॉर्मल ही बना होगा लेकिन अपना फेवरेट होगा आई गेस, मम्मी बुला रही। लंच बहुत ही बढ़िया था एकदम, बट आज लेट उठे लेकिन तब भी आज पता नहीं नींद सी क्यों आ रही है, मे बी शायद मौसम कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है इसलिए। देखते हैं कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ नॉलेज गेन करेंगे, अदरवाइज़ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे आज। कभी कभी ऐसे सोए सोए में बहुत ही ज़्यादा नींद आ जाती है ना, मैं अराउंड 4:50 पे ऐसे ही लेटा था, मैंने सोचा 10 मिनट सोता हूँ एंड अभी 6:30 हो रहा है, और डेढ़ घंटा स्ट्रेट इतना मज़ेदार नींद आई, क्या होता है। चलो चलते हैं अब नीचे, कुछ चाय पानी देखते हैं। कैसे हो पापा? ओह पानी, ठीक है ठीक है, आएगा। बाकी हमारे ये भाई भी काफ़ी बड़े हो गए, वगैरह हेलो। अभी हमारी चाय बन रही है, तक बैठे हैं शाम में, अब हवा चलनी बंद हो गई, फैन लगाया थोड़ा ऊपर, देखते हैं। रात में मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वगैरह सिट डाउन, सिट डाउन, यस, हाई फाई दे दे, हाई फाई, हाय फाय, बेइज्जती, हाय फाय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। सामने वाले फ्लैट्स में बंदर ऊपर चढ़ रहा है तो ये भाई साहब यहीं से भौंक रहे हैं, बंदर कहीं वहाँ पे है, देखते हैं। आज के हैं हमारी इवनिंग टी एंड डाइजेस्टिव बिस्किट्स, न्यूट्री चॉइस बिस्किट्स। हमारे एक और भैया है, दो भैया, हेलो भैया, हेलो। धक्का मारे हो रहे, आराम से करना। घर में कोई भी आता है तो बगीरा, मतलब वैसे जान पहचान वाला है तब तो चुप रहेगा, अगर जान पहचान वाला नहीं है, जैसे कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी वाला आ जाता है या कोई आ जाता है तो वो बिल्कुल इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है, वो अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी सारे डॉग्स होते हैं, कोई भी अननोन पर्सन आता है तो कुछ करते ही नहीं है। बाकी देखो यार, अभी तो फिलहाल आज 11 तारीख है एंड 15 तक तो वैसे ही कर्फ्यू लगा हुआ है यहाँ पे, मे बी शायद और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, आई थिंक सो नहीं होगा क्योंकि केसेस काफ़ी कम हो गए, सो फिलहाल तो कहीं भी ट्रैवल करना मुश्किल ही है। मैंने देखी थी एक दो लोकेशंस यहीं पे आसपास ही,
काफ़ी अच्छी हैं, बट जब लॉकडाउन खुल जाएगा सब कुछ अच्छे से सही हो जाएगा मैं तभी प्रेफर करूँगा अब जाना। सो इसी के साथ आज के स्वीट एंड सिंपल ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आफ्टर वन मंथ मतलब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आज दुकानें वगैरह सब बंद हैं, कहीं जा नहीं सकते आप। सो ब्लॉग को घर का ही रखते हैं। सो इसी के साथ यहीं पे समाप्ति करते हैं। बाय बाय, टेक के नमस्कार। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर कर दो और कुछ ना कुछ कॉमेंट करो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।